आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज मीशो हॉल एंड इनमें कुछ आउटफिट जो है ना वो आपने ऑलरेडी देख ली होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो, एंड नहीं करते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो फॉलो करना, क्योंकि वहां मैं बहुत सारे रील्स शेयर करती हूँ। जो वीडियो में कपड़े दिखाती हूँ ना उससे पहले वो रील्स वहां आ जाते हैं, तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हो अगर आपको अर्ली अपडेट्स चाहिए तो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम पे वायरल साड़ी, जिम्मी चू साड़ी। पहली बार मैंने नाम सुना यार, लेकिन हाँ ये साड़ी थी तो बड़ी सुंदर, बट इंस्टाग्राम स्टोर्स के पास जैसी है ना वैसी सेम अगर आपको चाहिए ना तो वो आपको अमेजन पे मिल जाएगी। मीशो पे सिमिलर मुझे नहीं मिली है बट बहुत हद तक सिमिलर, एंड इसमें भी जिम्मी चू साड़ी ही मेंशन था, बस जो वर्क है ना वो थोड़ी सी मुझे कम लगी है इससे जो मैंने इंस्टाग्राम स्टोर पे देखा था। तो मैंने दो साड़ी लिया है, फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा पिंक, बेबी पिंक कलर है, एंड ये थोड़ी सी ना ऑर्गेन्जा फेब्रिक में लगी मुझे, क्योंकि पहनने में मुझे बहुत मुश्किल आई थी। एंड इस पे आप देख सकते हो इस तरह के स्टोन के वर्क मिल जाते हैं बॉर्डर्स पे, एंड ये जो बॉर्डर है ना पूरी आंचल की साइड में मिलेगी, एंड साड़ी की जो बॉटम है ना उसमें आपको फुल साड़ी में ये बॉर्डर मिल जाएगी। ओके ये आप देख सकते हो, एंड इसमें आपको ब्लाउज का फेब्रिक भी मिलता है। ये देखो मैंने पहना था ना, ये पिन भी लगी हुई है इसमें, कहाँ कहाँ नहीं पिन लगाना पड़ा यार, बहुत मुश्किल है ऑर्गेन्जा साड़ी पहनना। सीरियसली जो पहनते हैं ना उनको मेरा प्रणाम है, मुझे भी कुछ ट्रिक बता दो कैसे पहन लेते हो यार। तो ये आपको ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाता है, एंड ब्लाउज की फैब्रिक में भी ना बॉर्डर में आपको इस तरह की स्टोन के वर्क मिल जाएंगे। तो ये साड़ी ओवरऑल लुक वाइज अच्छी है, कलर भी बहुत प्यारे हैं, एंड इसके फुल लुक आप देख लेना, यहाँ साइड में दिखा दूंगी, जिन्होंने पहले देख रखा है वो भी देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये भी जिम्मी चू साड़ी ही है, और ये इसकी जो वर्क है ना पहले वाले से थोड़ी ज़्यादा है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की, वैसे मैंने रियल में तो देखा नहीं है जिम्मी चू साड़ी पहन वहन के, जो मैं क्वालिटी एग्जैक्ट सेम बता दूँ आपको कि उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, लेकिन ये जो दो साड़ी मैंने ली है ना इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो है थोड़ी सी इससे बड़ी गंदी स्मेल आ रही है गाइस, जैसे टायर नहीं फटा होता है कहीं रोड साइड पे और तब स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है सीरियसली। ओ माय गॉड मुझे तो हेडेक हो जाएगा इसके स्मेल से। एक काम करते कुछ जुगाड़ करती हूँ मैं, तो ये जुगाड़ मिला है मुझे मास्क, तो गाइस ये जो साड़ी है ना ये मुझे ऑर्गेन्जा फैब्रिक में मिली है, एंड ये थोड़ी सी ना नेट की फैब्रिक लग रही है, थोड़ी सी बिल्कुल नेट की फैब्रिक नहीं है ये, और मुझे थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है बट कोई नहीं, अब स्मेल नहीं आ रही है मुझे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ आपको मिल जाते स्टोन के वर्क जैसे पहली वाली साड़ी में थी, एंड पूरी साड़ी में ये छोटे छोटे स्टोन्स के वर्क मिल जाते हैं आपको, ये आप देख सकते हो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या आपको? तो ये आप देख सकते हो पूरी साड़ी कुछ इस तरह की है। सॉरी गाइस मैं इसको पहन के नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन क्योंकि बहुत गंदी है स्मेल, बहुत ज़्यादा गंदी। साड़ी लुक वाइज बहुत सुंदर है नो डाउट, क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, बट जो स्मेल है ना वो अनबियरेबल है, बहुत ही गंदी स्मेल है। और ये आप देख सकते हो इसमें जो ब्लाउज का कपड़ा है ना, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, इस पर भी आपको बॉर्डर्स पे वर्क मिलता है, एंड मेरा दम घुट रहा है, मैं इसको साइड में फेंकती हूँ। पता नहीं क्या करके रखा उस साड़ी, मुझे लगता है कलर वगैरह में डाला होगा, एंड निकाल कर इतनी गंदी स्मेल, छी। चलो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुर्ती है, और मुझे ये डाउट है ये कुर्ती सेट है या नहीं,
ओके ये कुर्ती है एंड ये बहुत सुंदर कुर्ती है, आलिया कट पैटर्न में है, ये आप देख सकते हो। इसे ना आप एज ए ड्रेस भी वेयर कर सकते हो, मैंने इसीलिए लिया है इसको क्योंकि इसको मैं एज ए ड्रेस भी वेयर कर सकती हूँ। एंड ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की स्लीव्स है, स्लीव्स बहुत प्यारे हैं। यहाँ आप देखोगे ना आपको येल्लो कलर का कपड़ा मिलता है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह है। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, इस पर बहुत अच्छे प्रिंट हो रखे हैं, बहुत सुंदर लग रही है। एंड इसमें सारे साइज अवेलेबल थे, जो भी आपकी साइज हो आप ले सकते हो। नेवी ब्लू कलर में है, प्योर कॉटन फैब्रिक है एंड एज ए ड्रेस आप पहनोगे ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना प्रिटी लगने वाला है। इसके साथ आप वाइट कलर की लेगिंग्स ले लो अगर आप एज ए ड्रेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। एंड कॉलेज ऑफिस के लिए तो परफेक्ट है, समर के लिए बहुत ही अच्छी है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड थैंक गॉड जैसा मैंने देखा था ना मुझे वैसी रिसीव हुई है, वैसी क्वालिटी वैसी सब कुछ है, तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, जरूर ट्राई करना आप इसको। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली गाउन, और ये इतनी सुंदर गाउन है मैं क्या बताऊँ आपको। सबसे पहले आप इसकी बैक साइड देखो, कुछ इस तरह की यहाँ बटन मिलेगी एंड ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये रियोन फैब्रिक में गाउन है, बिल्कुल सिंपल ब्लैक कलर में है। एंड इसकी जो दुपट्टा है ना वो इसी में अटैच मिलती है आपको, यू नो आजकल की फैशन है। एंड जो दुपट्टे की एंड है ना बैक साइड, वहाँ आपको बहुत सुंदर झालर मिल रहे हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है, ओ माय गॉड, ये आप देखो कितनी सुंदर लग रही है। मुझे स्पेशली ये वाली पार्ट जो है ना इस गाउन की बहुत ज़्यादा पसंद आई, हाईली रिकमेंड करूँगी, मतलब क्या बोलूँ, इतना सुंदर। फ्रंट का बैक की जो ब्लैक कलर है ना उसको आप अवॉइड कर दो, इससे प्यार हो जाएगा आपको। मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक और कुर्ती सेट जो कि समर के लिए बेस्ट है, वो है ये वाली, और ये बहुत सुंदर टील ब्लू कलर में है। मैं आपको ओपन करके दिखा, तो ये आप देख सकते हो आपको इसमें पैंट मिलता है कुछ इस तरह का सी, एंड यहाँ ना आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है बॉटम में, एंड इसकी इलास्टिक भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है, और इसकी आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग वगैरह सब बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसमें आपको दुपट्टा भी मिल जाता है सी, और ये जो है ना शिफॉन फैब्रिक में है। कुर्ती दिखा दूँ मैं आपको, कुछ इस तरह की कुर्ती है, और यहाँ आपको ना बहुत अच्छे वर्क मिल जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, और 3-4 स्लीव्स मिल जाती है, और इसकी जो बॉटम है ना इसमें भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है। बट ये जो एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो ना ये फ्रंट साइड में ही मिलेगी, बैक साइड में नहीं है। एंड बैक में आपको डोरी भी मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग टाई कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, समर के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना ये है एक लहंगा, रेडी टू वियर लहंगा है, और ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही रील शेयर किया है इंस्टाग्राम पे, तो ये आप देख सकते हो इसमें आपको कप भी मिल जाती है। एंड ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की क्रॉप टॉप मिलती है, फ्री साइज में है, इसमें आपको जिप वगैरह भी दी गई है, बट अगर आप एस एम साइज में हो ना, एल साइज में भी हो, तो ये आपको लूज ही आएगी, आपको इसको अपने साइज में कन्वर्ट करवाना होगा। एंड इसके साथ मुझे बहुत ही प्यारा सा जैकेट मिला है, बट ट्रस्ट मी आप समर में इसको नहीं वियर कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। इसके ऊपर ना बड़े बड़े सितारे लगे हुए हैं जो मिरर जैसे लग रहे हैं, इस पर स्टोन्स लगे हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी है एंड काफ़ी अच्छी प्रिंट वगैरह है, जिससे ये बहुत सुंदर लग रही है। अंदर के साइड आपको इनर भी मिलती है, ये फ्री साइज़ में है, एक्सल डबल एक्सल साइज़ वालों को भी ये ईजिली आ जाएगी, हल्दी के लिए बेस्ट आउटफिट है। बट हाँ जहाँ पर गर्मी है ना वहाँ पर तो आप इसको नहीं ही पहन सकते हो। एंड स्कर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, ये आप देख सकते हो वेस्ट लाइन पे आपको कुछ इस तरह का वर्क मिल जाता है, ये फ्रंट है एंड ये बैक है, और इसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरह की प्लीटेड मटेरियल में स्कर्ट मिलती है। इनर में आपको छोटी वाली कैनकेन मिल जाती है, इसमें भी इंटरलॉकिंग वगैरह दी गई है, स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बस जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया कि आप गर्मी में, एक्सट्रीम गर्मी में नहीं पहन सकते, अभी जैसी समर है ना इसमें तो आप पहन भी लोगे, बट थोड़ी सी मई आने दो फिर नहीं पहन पाओगे, वैसी वाली आउटफिट है। ठीक है, ये थी, अब मैं आपको नेक्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ, इसकी भी रील मैंने शेयर कर रखी है इंस्टाग्राम पे। अब आप देखो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आपका कितना बड़ा नुकसान है, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे ना आपको टाइम टू टाइम वीडियो से पहले ही मिल जाएगी सारे ही आउटफिट के लिंक। तो है ये वाली कुर्ती स्कर्ट सेट, ये मुझे समझ नहीं आया लहंगा है या स्कर्ट कुर्ती सेट है, आप ही डिसाइड करके बताना। मीशो के डिस्क्रिप्शन में तो कुर्ता सेट लिखा था, कुछ भी लिखा रहता है,
तो ये ना स्कर्ट है, स्कर्ट नहीं प्लाजो है, ये आप देख सकते हो। ओके ये प्लाजो है, तभी तो ये कुर्ती सेट हुई। और मैं सोच रही हूँ ये स्कर्ट है, आप यकीन नहीं करो, मैंने इसको पहनकर भी दिखा दिया और फिर भी मुझे ये स्कर्ट ही लग रही थी। तो समझ में आई आपको बात? बात ये है कि आप इसको पहनोगे ना तो ये बिल्कुल आपको स्कर्ट का लुक देने वाला है। पर्पल कलर में है, इलास्टिक काफ़ी है, स्ट्रेचेबल है इसकी। एंड इसके साथ मुझे इस तरह की बेल्ट रिसीव हुई है जिसको आपको टाई करना है। एंड ये आप देख सकते हो इसके साथ स्टिच दुपट्टा मिलता है आपको। एंड इस पर काफ़ी अच्छे वर्क है, पर्ल की हैंगिंग वगैरह दी गई है। एंड दोनों साइड में ना काफ़ी अच्छी दुपट्टा की लेंथ है और इस तरह के टेसल्स वगैरह भी मिल जाते हैं दुपट्टे पे, जो बहुत सुंदर है। जॉर्जेट फैब्रिक में है। एंड ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ऊपर की पोर्शन है कुर्ती। एंड ये जो है ना बिल्कुल फ्रंट से ओपन जैसा है, जब आप मुझे पहने देखोगे ना। एंड ये जो दो लेयर है ना, ये दोनों लेयर पूरी खुली हुई है, इसीलिए आपको साथ में बेल्ट दिया गया है। आपको बेल्ट है ना ये प्रॉपर तरीके से टाई नहीं होती है, इसको आपको पिनअप करना होगा या फिर वो जो टिक टैक वाली बटन होती है ना वो लगवानी पड़ेगी। ये बिल्कुल यूजलेस है। इसके साथ आप कोई और जो वेस्ट बेल्ट आती है ना पतली वाली, वो भी ट्राई कर सकते हो। तो कुर्ती जो है ना ये भी बहुत सुंदर है, बट इसकी जो फिट है ना बहुत ही अजीब सी है। इसमें कप भी दी गई है, क्वालिटी काफी अच्छी है। इसको आप अपने साइज में फिट करवा लो फिर बहुत अच्छी लगेगी, अदरवाइज ये बहुत ही अजीब लग रही थी मुझे। मैंने बहुत मुश्किल से इसको पहना था। एंड इसमें भी आपको टेसल्स वगैरह मिल जाते हैं। कुर्ती की फुल लुक ना आप ट्राई ऑन में देखोगे फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो आप देख लेना, मैं साइड में ट्राई ऑन डाल दूंगी। तो ये हो गए आउटफिट जो आपने देखे हुए थे। अब जो मैं आपको दिखाऊंगी ना ये आपने नहीं देखे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो फर्स्ट है ये वाली सूट और ये बहुत सुंदर है ब्लैक कलर में। ट्रस्ट मी आपने नहीं देखा होगा इसको। तो ये आप देखो कुछ इस तरह की कुर्ती है, ये बिल्कुल पाकिस्तानी कुर्ती सेट जैसी है। एंड ये आप देख सकते हो लॉन्ग कुर्ती है। एंड इस पर आपको बहुत अच्छे वर्क, एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस के वर्क सब मिल जाते हैं। और फ्रंट आप देखोगे ना, फ्रंट कुछ इस तरह की है। यहाँ आपको टेसल्स भी मिल जाते हैं। एंड ये आप देख सकते हो डोरी, और इसमें आपको बाजू जो है ना फुल स्लीव्स की मिलती है। स्लीव्स पे आपको वर्क मिलते हैं दोनों ही साइड में। एंड इस सूट की जो बैक साइड आप देखोगे ना उस पर भी आपको सिमिलर वर्क मिलेंगे जैसी फ्रंट साइड की बॉटम में है। ओके एंड इसमें आपको इनर की फैब्रिक वगैरह भी दी गई है और इंटरलॉकिंग भी बहुत अच्छी हो रखी है। ये आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है। और इसमें आपको पैंट मिल जाती है जॉर्जेट फैब्रिक में, सी पैंट नहीं प्लाजो कह लो इसको। और इसकी इलास्टिक काफ़ी स्ट्रेचेबल है। एंड इसमें दुपट्टा बहुत सुंदर रिसीव हुआ है मुझे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सी ब्लैक कलर का दुपट्टा है, इस पर काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। एंड यहाँ आप देखो साइड में ना कपड़े का जो है ना वो मतलब कपड़ा स्टिच किया हुआ है, आप देख सकते हो इस साइड से। तो ये है। एंड इस पर सीक्वेंस के वर्क है क्रिस क्रॉस में, बहुत सुंदर लग रही है। सीरियसली ईद तो चली गई बट आगे किसी फेस्टिवल्स के लिए लेना चाहो ना तो मस्ट बाई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है ये वाली सूट, ये भी लैवेंडर कलर में है। एंड ये भी कुर्ता सेट है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है ये भी। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है। फ्रंट में आपको ना मिरर सीक्वेंस एंड पर्ल के वर्क मिलेंगे, पास से देख सकते हो आप। एंड इसमें आप देख सकते हो फुल स्लीव मिलती है, स्लीव्स पे दोनों साइड में वर्क है। यहाँ आपको लटकन वगैरह मिल जाती है सी। एंड इसमें जो है ना बैक साइड में आपको कोई भी वर्क नहीं मिलता है, और बॉटम में आपको इस तरह का सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है एंड लटकन मिलती है। सीक्वेंस के वर्क जो है ना ये आपको बैक में भी मिलेंगे एंड फ्रंट में भी मिलेंगे। इसमें आपको इंटरलॉकिंग एंड इनर की फैब्रिक भी मिल जाएगी एंड इंटरलॉकिंग भी मिल जाती है। सो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब इसकी बॉटम की बात करें तो बॉटम जो है ना जॉर्जेट फैब्रिक में नहीं है, सूट वैस जॉर्जेट फैब्रिक में है एंड दुपट्टा, और जो बॉटम है ये क्रेप में है। एंड बॉटम में आपको वर्क मिलते हैं दोनों साइड में, और ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी इलास्टिक है, काफ़ी टाइट है, और दुपट्टा बहुत ही सुंदर, बहुत ही हेवी है, ये आप देख सकते हो। सी
बहुत ही अच्छी है दुपट्टा, एंड इस पर भी आपको साइड में ना इस तरह के लटकन वगैरह मिल जाते, तो ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। सारे ही आउटफिट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा खूब, जरूर ट्राई करना है इन सबको। ओके, तो ये थी गाइज मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मैंने ब्लू वाली साड़ी दिखाई है ना, वो मैं क्या बोलूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, सुंदर वो बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट वो इतनी गंदी स्मेल कर रही है ना कि मैं उसको ट्राई भी नहीं करना चाहती, मैंने उसको बहुत दूर फेंक दिया है अपने से। एंड देख लेना आप, आपको अच्छी लगे तो ले सकते हो, स्मेल करे तो रिटर्न कर देना। ओके, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट इसी तरह की हॉल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए की फॉर वॉचिंग।